वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस अकेडमी, आई एम बी एल यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर मैं आज हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वाइज से क्वेश्चन एनडीए में तो स्पॉटिंग रेड में आता है, लेकिन आपके एयरफोर्स यक्स वाई में जनरली एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए देता है। ठीक है बच्चों, और ये ऐसा टॉपिक है कि हर बार क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। दो टॉपिक ऐसे हैं, एक एक्टिव एंड पैसिव वाइज, दूसरा नरेशन। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वाइज का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आज मैं दूंगा आप लोगों को। एक चार्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आज ही एक्टिव पैसिव का 100% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें ये मान के चलिए कि अगर एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एक्स वाई में आता है या और किसी एग्जाम में आता है, जैसे मान लीजिए एनडीए में स्पॉटिंग एरर में कभी कभी क्वेश्चन देता है, एनडीए में देता है स्पॉटिंग एरर में, एक्टिव एंड पैसिव वाइज से स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बना देता है, या फिल इन दी ब्लैंक्स में कभी कभी बना देता है। ठीक है, तो आइए आज का कंसेप्ट एक्टिव एंड पैसिव वाइज का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, पैसिव वाइज बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, एक्टिव एंड पैसिव वाइज का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आइए पहले इसका कंसेप्ट, इसका एक्टिव एंड पैसिव वाइज का हम लोग चार्ट एक बनाएंगे। पहले एक्टिव एंड पैसिव वाइज का चार्ट क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इधर आप लोग लिखेंगे एक्टिव, एक्टिव, और इधर लिखेंगे क्या, पैसिव। ठीक है, ये चार्ट के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। अभी देखिएगा आप लोग को, आज ही जो मैंने अभी बोला कि 100% एक्टिव एंड पैसिव वाइज एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एक्टिव पैसिव में। तो अगर बच्चों B1 दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा होगा, या डू डज के साथ, डू डज के साथ B1 होगा, डू डज के साथ B1 होगा, तो पैसिव वाइज बनाते समय क्या होगा बच्चों, इच, एम, आर प्लस V3 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग करोगे। अगर B1 होगा या B1 में यस यस लगा होगा या डू डच के साथ B1 होगा, तो पैसिव वाइज इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आपका इस तरह से होगा, V2 होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, और डिड के साथ अगर बच्चों V1 होगा, तो पैसिव वाइज बनाते समय क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वाइज में मेन वर्ब, पैसिव वाइज में मेन वर्ब हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है, अगर इस तरह से दिया होगा, इच एम आर के साथ वर्ब ING अगर होगा, इज एम आर के साथ वर्ब ING होगा, तो क्या होगा, इच एम आर प्लस बीइंग प्लस क्या होगा, बीइंग होगा, बीइंग होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसा होगा, वाज वर के साथ क्या होगा, वाज वर के साथ, अगर वाज वर के साथ वर्ब ING होगा, वर्ब में ING लगा होगा, तब क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा, हैज हैव या हैड के साथ V1 होगा, तब क्या हो जाएगा, हैज हैव हैड प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग होगा। अगर बच्चों यहाँ पर ऐसे होगा, मॉडल
प्लस वी वन होगा तो क्या होगा, मॉडल प्लस वी वन होगा तो क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री का प्रयोग होगा। अगर ऐसा होगा मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री होगा बच्चों, तब क्या होगा, मॉडल प्लस हैव हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस वी थ्री का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसको फटाफट आप लोग एक बार नोट कर लें, पहले इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में अगर वी वन होगा या वी वन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा होगा या डू डज के साथ वी वन होगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी थ्री का प्रयोग होगा। वी टू होगा या डिड के साथ वी वन होगा तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वी थ्री होगा, वाज वर्ब प्लस वी थ्री होगा। अगर इज एम आर के साथ बींग लगा होगा, इज एम आर के साथ आई एन जी आएगा, इज एम आर के साथ आई एन जी आएगा तो इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री हो जाएगा। वाज वेर के साथ वर्ब आई एन जी अगर होगा, वाज वेर के साथ अगर वर्ब आई एन जी होगा तो वाज वर्ब प्लस बींग प्लस वी थ्री। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी वन या वी वन के साथ यस यस या डू डज के साथ वी वन तो तब यहाँ इज एम आर आएगा। अगर वी टू होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड के साथ या तो वी टू आएगा या तो डिड के साथ वी वन आएगा, तब पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वी थ्री होगा। इज एम आर के साथ वर्ब आई एन जी आएगा तो इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री हो जाएगा। वाज वर्ब के साथ वर्ब आई एन जी आएगा तो वाज वर्ब प्लस बींग प्लस वी थ्री हो जाएगा। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा इस तरह से है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है बच्चों। हैज हैव हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हैज हैव हैड के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको हमने सही कर दिया, इसको हमने करेक्ट कर दिया है, सुधार दिया है। हैज हैव हैड के साथ वी थ्री आता है तब ये होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे भी होता है, अगर हैज हैज टू हैव टू भी कभी कभी आता है या हैड टू अगर इस तरह से होगा तब बच्चों वी वन आता है, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इस तरह से किया जाएगा, हैज टू हैव टू और हैड टू प्लस बी प्लस वी थ्री का प्रयोग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बी प्लस वी थ्री का प्रयोग होगा इस तरह से, जब टू आता है तब बी वन आता है, लेकिन इसमें हैज हैव हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब यहाँ बीन प्लस इस तरह से वी थ्री, हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री। ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म रहेगी तब हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज टू हैव टू हैड टू मतलब हैज हैव या हैड के बाद जब टू होगा तब बी वन आएगा, तब पैसिव वॉइस में हैज टू हैव टू हैड टू के बाद बी प्लस वी थ्री होगा। और थर्ड फॉर्म रहती है तब बीन आता है, ठीक है, तब बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर सेंटेंस दिया, सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, ये है। वी वन आ गया है, ठीक है, वी वन आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। देखिए वी वन आ गया है तो चार्ट में आप लोग तुरंत जाएंगे किस में, वी वन पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर वी वन है, या वी वन में अगर यस यस लगा होगा या डू डज के साथ वी वन आएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी थ्री का प्रयोग करोगे। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा,
बटर इधर आएगा तो बटर, बटर अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर वर्ब का, बटर इज मेड, मेड फ्रॉम, फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क बाय हर, क्या हो जाएगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय हर। बटर अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, इसलिए क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो बटर इज अ वर्ब, जो मेन वर्ब होती है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग होती है, तो बी वन है, तो बी वन है तो इज एम आर प्लस बी थ्री, बटर अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर वर्ब लेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब बाई, बाई के बाद ये सी का हर लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आता है बाई प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। दूसरा सेंटेंस देखें, एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, जैसे हमने बोला, एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, जैसे हमने बोला कि ही टीचेस, ही टीचेस द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इन द क्लास, ही टीचेस द चिल्ड्रेन, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा, चिल्ड्रेन इधर आएगा तो द चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, तो द चिल्ड्रेन अभी प्लूरल है तो आर हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर टॉट, टॉट बाई हिम इन द मॉर्निंग, बाई हिम इन द क्लास, सॉरी इन द क्लास, ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रन चूंकि यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा ये प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है, और मेन वर्ब टीच का टॉट हो जाएगा, टीच टॉट टॉट, तो टीचेज है यहाँ पर तो टॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस आपका निगेटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमने बोला कि दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एवरीवेयर, एवरीवेयर इन इंडिया, अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, अगर ऐसे दे देगा तब क्या होगा। अब देखिए डू, इसमें डू डज आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने चार्ट में आपने देखा होगा कि जो चार्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया है यहाँ से आप देख सकते हैं, डू डज के साथ बी वन आएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी थ्री रहेगा, ठीक है। तो चार्ट को आप लोग अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वर्ब है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद ये क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स आर प्लूरल है इसलिए आर होगा, आर नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय देम एवरीवेयर इन इंडिया, एवरीवेयर इन इंडिया, इस तरह से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर डू डज आएगा तो पैसिव वॉइस में डू डज नहीं आएगा, उसके स्थान पर ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर में से कोई एक आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। मान लीजिए अगर ऐसा होगा निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस इस तरह से दे दिया, जैसे डज डू द पुलिस, डू द पुलिस पुलिस चेज, चेज द क्रिमिनल, ऐसा दे दिया है, ठीक है। डू द पुलिस चेज द क्रिमिनल,
अब इसका क्या होगा? डू द पुलिस चेज द क्रिमिनल? तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और क्रिमिनल यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल दिया है, सिंगुलर दिया है, तो इज पहले आएगा, इज द क्रिमिनल, इज द क्रिमिनल चेज्ड, चेज्ड बाय द पुलिस, चेज्ड बाय द पुलिस, इज द क्रिमिनल चेज्ड बाय द पुलिस, इज द क्रिमिनल चेज्ड बाय द पुलिस, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा दे दिया कि क्या जैसे दिया है एक्टिव वॉइस में इस तरह से दिया है कि डज सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ऐसा दे दिया, डज सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो क्या होगा? अब डू डज पहले आएगा तो इसमें पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा, अब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? जो नया सब्जेक्ट आएगा, तो ये स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है तो इज आएगा, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग, सिंग सैंग संग, संग बाई हर, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई हर, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसे दे दिया क्या who writes this poem, इस तरह से दिया हुआ है, who writes this poem, ठीक है, तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, who वाला केस जो होता है, who वाले केस को हम बाई होम से बनाते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, who वाला बाई होम से बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, who को बाई होम में कन्वर्ट करते हैं, बाई होम, उसके बाद बाई होम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, और ऑक्सिलरी वर्ब में इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट जो नया बनने जा रहा है, तो सब्जेक्ट पोएम सिंगुलर है तो यहाँ पर इज होगा, बाई होम इज दिस पोएम, दिस पोएम रिटन, ठीक है, बाई होम इज दिस पोएम रिटन। अब दोबारा बाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया, सपोज करिए कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि व्हाई डू यू इंसल्ट दी पुअर इन स्लम एरियाज, ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे? जिसे हु को तो बाई होम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर वाई होगा, विन होगा, ये सब होगा, तब इसको आप नहीं बदलोगे, सिर्फ हु को बाई होम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वाई एज इट इज आप जैसा है वैसा यहाँ नोट करोगे, वाई हमने नोट कर लिया है, अब इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो अब वाई यहाँ पर देखिए, वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया है डू डज के रूप में, तो यहाँ पर डू डज नहीं आएगा, इज एम आर आएगा, कौन डिसाइड करेगा? जो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनने जा रहा है द पुअर, और द पुअर जो है प्लूरल कॉमन नाउन होता है, पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है, ये प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए वाई आर द पुअर इंसल्टेड By you in slum area,
वाई आर द पुअर, द पुअर जो कि प्लूरल कॉमन नाउन है इसलिए आर आया है, वाई आर द पुअर इंसल्टेड बाई यू, यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, इसलिए बाई यू इन स्लम एरियाज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे दे दें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर दोनों दे दिया, जैसे हमने लिखा वाई डज ही नॉट राइट अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऐसा दे दिया है। ठीक है, तो अब इसका पैसिव वाइज बनाते समय कैसे करोगे, वाई इसको एज इट इज नोट करोगे, वाई ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप बना दीजिए, तो वाई अगले वर्ग में अ बुक सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, वाई इज अ बुक, अ बुक ऑन मैथमेटिक्स पूरा ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, वाई इज अ बुक ऑन मैथमेटिक्स नॉट नॉट रिटेन, नॉट रिटेन बाई ही का हिम हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पैसिव वाइज आपको बताया। ठीक है, वी वन वाला वी वन या डू डज के साथ वी वन, इसी तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का भी होगा। पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो कैसे होगा, मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस दिया, दे दिया वी टू, यानी जैसे हमने बोला कि दे रोट रोट अ बुक बुक इन वन मंथ, ऐसा दे दिया है। ठीक है, दे रोट अ बुक इन वन मंथ, यहाँ पर बच्चों फुल स्टॉप रहेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर इसका जब पैसिव वाइज बनाओगे, सबसे पहले हमने वर्ब पर फोकस किया तो वर्ब क्या मिला, वी टू, वर्ब क्या मिल गया, वी टू मिल गया। और जब वी टू आएगा तो यहाँ पर आप तुरंत उस चार्ट में जाएंगे जो चार्ट हमने डिस्कस किया है अभी। ठीक है, ये चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी टू होगा या डिट के साथ वी वन होगा, V2 होगा या डिट के साथ, V2 या डिट के साथ V1, तो वाज वेयर प्लस V3 का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यही सेंटेंस वहाँ पर भी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप लोग देख सकते हैं V2 है तो ए बुक इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, अ बुक, अब चूंकि V2 है तो वाज आएगा, बुक सिंगुलर है, अ बुक वाज रिटन, बुक वाज रिटन बाई देम इन इन वन मंथ, इस तरह से बनाओगे। तो वी टू है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वाइज है, इसका एक्टिव बनाना है। जैसे ऐसे दे दिया, सी वाज, सी वाज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट, सी वाज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, ये सेंटेंस है, पैसिव वाइज का सेंटेंस है। ठीक है, ये पीसीएस के सी सेट में भी आया था, सी वाज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, अब देखिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये पैसिव वाइज है। अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब पैसिव वाइज है, तो अब इसका एक्टिव बनाना है, इसका हमको एक्टिव बनाना है। ठीक है, सी वाज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि सर्जरी के बाद जो एडवाइस देता है वो कौन देता है, डॉक्टर देता है, कौन देगा, डॉक्टर देगा, तो डॉक्टर आप अपने से लगाओगे यहाँ पर पैसिव वाइज बनाते समय, तो क्या होगा, दी डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज
ये हाइफन है 15 डेज, सॉरी पजेसिव केस है, अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 5 डेज में यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस है, ये हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पर आप अपने से लगाओगे, अब देखिए इसका पैसिव वाइज बनाओगे तो हर इधर है तो सी हो जाएगा, सी वाज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर सर्जरी बाय द डॉक्टर, नहीं देता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, ही वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, अब ये भी पैसिव वाइज है, कैसे पता चला, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। तो अरेस्ट कौन करता है, अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है, तो क्या होगा, पुलिस अपने से लगाओगे, द पुलिस, द पुलिस अरेस्टेड अरेस्टेड हिम लास्ट नाइट, द पुलिस अरेस्टेड हिम लास्ट नाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बच्चों बनाएंगे आप लोग, द पुलिस अरेस्टेड हिम लास्ट नाइट, ठीक है। मान लीजिए ऐसा दे दिया, निगेटिव सेंटेंस भी दे सकता है, एक्टिव वॉइस में दे दिया कि ही डिड नॉट, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर इन बिहार, ऐसा दे दिया, ठीक है। ही डिड नॉट हेल्प द पुअर इन बिहार, अब देखिए डिड के साथ आया है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर इन बिहार, तो क्या होगा इसका, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर इन बिहार, तो द पुअर, अब द पुअर प्लूरल कॉमन नाउन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लूरल कॉमन नाउन है, और निगेटिव सेंटेंस है ही डिड नॉट, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, निगेटिव है। अब द पुअर इधर आएगा, द पुअर प्लूरल कॉमन नाउन वर Not, the poor were not helped by him in Bihar, by him in Bihar, the poor plural common noun है इसलिए verb plural लिया, not उसके बाद verb की third form, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो सेंटेंस, डिड पहले आ जाए, डिड सी नॉट, डिड सी नॉट राइट अ लेटर yesterday, ठीक है, yesterday, ये अब हमारा ये इंट्रोगेटिव है, did she not write a letter yesterday, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है तो did पहले लगा है, तो पैसिव वाइज बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, पैसिव वाइज बनाते समय हम वाज वेर प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाज वेर प्लस वी थ्री, तो a letter सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज अ लेटर, वाज अ लेटर, वाज अ लेटर नॉट, वाज अ लेटर नॉट रिटन, रिटन बाय हर यस्टरडे, डिड सी नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, तो वाज अ लेटर नॉट इसमें है तो इसमें भी आएगा, रिटन बाय हर
ये स्टडी का स्टडी ही रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये स्टडी का द प्रीवियस डे होता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, इसमें नहीं बदला जाता है। ये स्टडी यहाँ है तो स्टडी यहाँ भी रहेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया, अक्सर ये क्वेश्चन आता है Who built? Who built the Taj Mahal? Who built the Taj Mahal? ठीक है, तो पैसी वाइस में क्या होगा, Who जो है by whom में कन्वर्ट हो जाता है, by whom, उसके बाद अगली वर्ब आएगा, तो ताजमहल सिंगुलर है, तो क्या होगा, बाई होम वाज दी ताजमहल बिल्ट, बाई होम वाज दी ताजमहल बिल्ट, बाई होम वाज दी ताजमहल बिल्ट, बाई होम वाहू बाई होम हो जाएगा, बाई होम आज दी ताजमहल बिल्ट। ऐसा दे दिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से दिया कि why did they not drive a car last night, ऐसा दे दिया, why did they not drive a car last night, तो क्या होगा, why ऐसे है तो why ऐसे रहने दो, उसके बाद इसको बना डालो, तो इसको बनाओगे तो क्या होगा, Why did they not drive a car? A car singular है तो वाज आएगा, why was a car not driving, third form, driving by them last night? By them last night, ठीक है, क्लियर है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन और देखिए, जैसे एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जैसे हमने बोला कि the burglar destroyed several items, in the room. दूसरा सेंटेंस है, इस तरह से है, they sent an appeal to the president, इस तरह से है। तीसरा है, they created such a fuss over trivial matter, they created such a fuss over a trivial matter, यहाँ पर थोड़ा सा trivial matter, ये तीन क्वेश्चन हमने दिया है,
इसको ज़रा आप लोग बनाएं, ठीक है। तो पहला क्या है, दी बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, ठीक है। अब एक्टिव वाइस है, सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वाइस है, इसका पैसिव वाइस बनाना है। तो क्या होगा, सेवरल आइटम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेवरल सेवरल आइटम्स, सेवरल आइटम्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर आएगा, वर्ब सेवरल आइटम्स प्लूरल है इसलिए वर, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, सेवरल बर्गलर इन द रूम, इन द रूम, ठीक है। दे सेंट एन अपील टू द प्रेसिडेंट, दे सेंट एन अपील टू द प्रेसिडेंट, तो क्या होगा, एन अपील, एन अपील, एन अपील वाज, वाज सेंट, एन अपील वाज, एन अपील वाज सेंट टू, अब देखिए सेंट सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, सेंड सेंट सेंट होता है, ये सेंड ये सेकेंड फॉर्म है, तो एन अपील वाज सेंट, क्योंकि क्योंकि सेंड सेंट सेंट होता है, तो एन अपील वाज सेंट टू दी प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट बाय देम, बाय देम, दे क्रिएटेड सच ए फस ओवर ट्रिवियल मैटर, दे क्रिएटेड सच ए फस, तो क्या होगा, सच अ फस, सच अ फस वाज, सच ए फस वाज क्रिएटेड, सच ए फस वाज क्रिएटेड By them, by them over a trivial, trivial such a fuss was created by them over a trivial, trivial matter. ठीक है, फुल स्टाफ है तो फुल स्टाफ यहाँ भी रहेगा, क्लियर है। तो सच ए फस वाच, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे जो है चार्ट के माध्यम से। पहले सबसे पहले आप लोग टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है, कौन से किस फॉर्म में है, तो उसके बाद पैसिव वाइज भी उसी से रिलेटेड उसी फॉर्म में बनेगी, मतलब जिस टेंस में, कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस टेंस में एक्टिव रहेगा, जिस टेंस में एक्टिव रहेगा उसी टेंस में पैसिव रहेगा। अगर बी टू होगा या बी, अगर यहाँ से जो हमने चार्ट बनाया है बी टू होगा या डिड के साथ बी टू होगा तो वाज वेयर, अगर बी वन होगा या डू डज के साथ बी वन होगा तो पैसिव वाइज में इज एम आर आएगा। कहने का मतलब अगर बी वन होगा या बी वन के साथ यस यस होगा या डू डज के साथ बी वन होगा तब भी इज एम आर प्लस वी थ्री होगा, अगर वी टू होगा या डिड के साथ वी वन होगा, डिड के साथ वी वन होगा तब वाज वर्ब प्लस वी थ्री होगा। तो जो चार्ट बच्चों मैंने बनाया है, ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, ये जो चार्ट पर विशेष फोकस करेंगे आप लोग, ये हमने जो चार्ट दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी वन हो गया या बी वन के साथ यस यस हो गया या डू डच के साथ बी वन तो पैसिव वाइज इज एम आर प्लस वी थ्री होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा। उसके बाद बी टू होगा या डिड के साथ बी वन होगा तो वाज वर्ब प्लस वी थ्री होगा, इज एम आर के साथ वर्ब आई एन जी होगा तब क्या होगा, इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री होगा, वाज वेयर के साथ आई एन जी होगा तो वाज वेयर प्लस बींग प्लस वी थ्री होगा,
ध्यान दीजिएगा V3 होगा। अगर हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तब हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। मॉडल के साथ V1 होगा, मॉडल का मतलब कैन कुड मे माइट शुड मस्ट, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल के साथ V1 होगा तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 होगा। अगर मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, मॉडल के साथ हैव आता ही है, हैज कभी नहीं आता, हैड कभी नहीं आता, मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा हैव आता है। मॉडल है प्लस V3 तो मॉडल है प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हैज टू, टू हैव टू हैड टू, इसके साथ हैज के साथ टू, हैव के साथ टू, हैड के साथ टू, मतलब हैज टू हैव टू हैड टू के साथ B1 आएगा तब क्या होगा, हैज टू हैव टू हैड टू प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहाँ बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।